नमस्कार, मैं राघव जैन। कवर स्टोर में बात करेंगे DICGC संशोधन बिल 2021 की। इससे आपको क्या फायदा होगा? आपको बता दूं कि बैंक खाता धारकों के लिए अच्छी खबर है। अगर आपका बैंक किसी वजह से दिवालिया हो जाता है या फिर मोरिटोरियम में चला जाता है तो 90 दिनों में आपकी जमा पैसे जो है वो मिल जाएंगे। इसकी अधिकतम सीमा प्रति ग्राहक जो है 5 लाख रुपए रखी गई है। केंद्रीय कैबिनेट ने इसे DICGC यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन संशोधन बिल 2021 को मंजूरी दी है। इसे संसद के मौजूदा सेशन में पेश किया जाएगा। इस दायरे में इन बैंकों के ग्राहक भी आएंगे जिन पर RBI ने पहले से पाबंदी या फिर मोरिटोरियम लगाया हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बताया कि प्रभावित बैंक को 45 दिन में DICGC को खाताधारकों का ब्यौरा भेजना होगा। अगले 45 दिनों में वह खाताधारकों को है पैसा लौटाएंगे। DICGC की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक अभी बैंक का रजिस्ट्रेशन समाप्त होने पर क्लेम सेटलमेंट में औसतम 500 जो है 8 दिन लगते हैं, जबकि रजिस्ट्रेशन समाप्त होने में कई साल लग जाते हैं। इससे ग्राहकों की जमा पूंजी जो है फंस जाती है। रिजर्व बैंक बीते साल से अब तक यस बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक जैसे 2 बड़े बैंकों पर मॉरिटोरियम लगा चुका है। फैसला सभी तरह के बैंकों पर लागू होगा। बचत, जमा, चालू खाते इसके दायरे के अंदर आएंगे। अब आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे जिसके हम आपको अभी जवाब दे देते हैं। कौन से बैंक वे खाते पर यह लागू होगा? सभी कमर्शियल, सहकारी, ग्रामीण बैंक और भारत में कार्यकृत विदेशी बैंकों के बचत, चालू और जमा खाते इसके दायरे में आएंगे। पहले से जिन बैंकों पर मॉरिटोरियम लगा है, क्या उनके खाताधारकों को भी फायदा मिलेगा? जी हाँ, मिलेगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि वर्तमान में मॉरिटोरियम में चल रहे बैंकों के ग्राहकों को उनकी जमा राशि के खिलाफ बीमा का दावा करने की अनुमति मिलेगी। मान लीजिए मेरे एक ही बैंक में 2 खाते, एक में 5 लाख और दूसरे में 3 लाख रुपए हैं। बैंक पर मॉरिटोरियम लगा तो क्या मुझे दोनों खातों के रुपए मिल जाएंगे? नहीं। पर्सनल कैपेसिटी में एक बैंक में एक खाताधारकों को अधिकतम 5 लाख रुपए ही मिलेंगे, भले खातों की संख्या कितनी भी हो। किसी अन्य कैपेसिटी जैसे किसी कंपनी के पार्टनर के तौर पर खाता है तो अलग 5 लाख का बीमा मिलेगा। क्या बीमा ब्याज भी कवर करता है? जी हाँ, इस 5 लाख की लिमिट में ब्याज भी आता है। खाता बंद है तो पैसा कैसे मिलेगा? जिन जमाकर्ताओं से बैंक संपर्क पर कर पाती है उन सबको चेक या ट्रांसफर द्वारा दूसरे बैंक खाते में पैसा दे दिया जाएगा। अपना पैसा सुरक्षित रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बड़े बैंक काफी हद तक सुरक्षित है। दिक्कतें छोटे बैंकों में आती है। प्रदर्शन पर संदेह हो सकता है तो एक बैंक में 5 लाख से ज्यादा डिपॉजिट ना करें। RBI के मुताबिक अधिकतर जो है 5 लाख तक जमा वाले देश में 98.1% खाते बीमा के तहत सुरक्षित है। देश की बैंकों में जमा रकम से 50.9% बीमा के दायरे में है। सरकार ने फरवरी 20 में जमा रकम का बीमा कवर 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपया कर दिया था। इसके लिए बैंक प्रति 100 रुपए 10 पैसा प्रीमियम भरते थे, अब 12 पैसा भरेंगे। तो आप समझ चुके हैं कि सरकार की स्कीम से कहीं ना कहीं आपको फायदा होगा। हमने देखा है कि हाल ही में काफी बैंकों के जो है दिवालिया निकले हैं, काफी बैंक जो है मर्ज हो रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। कोशिश करें कि आप अधिकतम राशि जो है 5 लाख रखें ताकि अगर भविष्य में कोई दिक्कत आती है तो आपको ज्यादा नुकसान का सामना ना करना पड़े। खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें आज शाम प्लस।